दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी कहीं पर टच करने पर या फिर स्क्रीनशॉट लेने पर या फिर स्क्रीन ऑफ़ करने पर कुछ साउंड होता है, यानी टक टक सा आवाज़ होता है या फिर कुछ साउंड आता है, तो अगर आप लोग उस साउंड को बंद करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक टक टक सा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, और यहाँ पे किसी ऐप में जाऊँगा फिर भी टक सा आवाज़ आप लोगों को सुनाई देता होगा। और यहाँ पर चलिए बैक करते हैं, और यहाँ देख सकते हैं भी स्क्रीन ऑफ़ करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ़ किया तो कि मतलब आवाज़ हुआ कुछ। तो अगर आप लोग इस साउंड को बंद करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साउंड को कैसे बंद करते हैं। अभी मेरा स्क्रीन ऑन हुआ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ आवाज़ हुआ। क्या होता है दोस्तों, आप लोग पब्लिक प्लेस में मोबाइल ऑपरेट करते हैं तो ये टक टक सी आवाज़ बहुत बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो और आप लोग इसे बंद करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जान जाएंगे कि इसे कैसे बंद करते हैं, या फिर अगर इसे ऑन करना चाहते हैं तो आप लोग ये भी जान जाएंगे कि इसे कैसे ऑन करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता, एंड्रॉइड फिक्सचर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बगैर ज़्यादा समय हुआ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक छोटी सी सेटिंग होती है, यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे। चलिए दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों, जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं सर्च करूँगा SOU, यहाँ पे इतना डाल देंगे तुरंत ही आ जाएगा सर्च बार में, और नहीं आएगा तो आप पूरा डाल देंगे SOU। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऊपर ही आ गया है। और आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एंड है, अगर सर्च कर रहे हैं, सर्च करके ढूंढना चाहते हैं, तो एंड जो है यही वाला एंड लिखना है आप लोगों को, जो इस तरह का एंड है, तो तभी आएगा वरना नहीं आएगा, अगर पूरा लिख के सर्च करना चाहेंगे तो। चलिए इस पर सिंपली क्लिक करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन पर, पहले वाले पर, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप लोग एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, हमारा पहला है डायल पैड टोन्स, टैप साउंड, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, डिलीट साउंड। यहाँ पे जो है 5 साउंड है जो इनेबल है। यहाँ पे डायल पैड टोन्स, यानी जो मोबाइल का डायल पैड है उस पर टाइप करेंगे तो टोन्स होगा कुछ, चालू होगा, मतलब बोलेगा। जैसे कहीं पर टच करते हैं टक टक सा आवाज़ आता है, तो ऐसे वहाँ भी टाइप करें, मतलब कोई नंबर टाइप करेंगे तो साउंड होगा। और दूसरा है टैप साउंड, यानी कहीं पे टैप कर रहा हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैं कहीं पे टैप कर रहा हूँ या फिर बैक कर रहा हूँ तो टक टक सा आवाज़ हो रहा है, कहीं पे टैप कर रहा हूँ तो टक टक सा आवाज़ होएगा। और तीसरा है स्क्रीन लॉकिंग साउंड, यानी स्क्रीन को लॉक करेंगे तब एक साउंड होगा। और स्क्रीन शॉट साउंड, यानी स्क्रीन शॉट लेंगे तब एक साउंड होगा। और डिलीट साउंड, यानी किसी भी इमेज को या फिर किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो साउंड होगा। तो यहाँ से आप लोग जो चाहे इनेबल करना चाहते हैं उसे इनेबल कर लीजिए, और जिसे चाहे डिसेबल करना चाहते हैं उसे डिसेबल कर लीजिए। यहाँ से चलिए फिलहाल सभी को डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ से आप लोग अगर साउंड, कोई भी साउंड चाहते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट साउंड चाहते हैं, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट साउंड इनेबल कर लेंगे, तो आके यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप बैक कर रहा हूँ या फिर कहीं भी टच कर रहा हूँ, तो जैसे एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कहीं भी टच कर रहा हूँ तो टैप साउंड नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग आके इसे डिसेबल कर सकते हैं, और इसे इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आके इसे इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार सेटिंग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग बहुत सारी सेटिंग देख सकते हैं और उसे अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।